मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हूँ मैं सिस्टर के घर में और यहाँ पे चल रही है फ्राइज की प्रिपरेशन, क्योंकि रात को बनेंगे यहाँ पे बर्गर। और साथ में ये भांजी कर रही है अपनी मम्मा को हेल्प आउट और ये दुआ बैठी हुई है। फ्राइज काट के और उसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करने से फ्राइज जो हैं बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो हमारे क्रिस्पी और मज़े के फ्राइज जो हो गए हैं रेडी। ये है मरियम प्राचा जो ये भी ब्लॉगिंग करती हैं। प्लीज़ आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं ये भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी व्लॉग्स भी पसंद आएंगे। ये है मेरी भांजी। ये जी बंद गोभी और मायनीज को मिक्स करके एक मज़ेदार किस्म की चीज़ बन जाती है, कोल्सला जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है बर्गर्स में, और साथ में पुदीने की चटनी। सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है बर्गर के लिए। और ये जी शामी कबाब फ्राई कर रही हैं सिस्टर बर्गर्स के लिए। यहाँ पे हो रही हैं हमारे फ्राइज फ्राई। और ये है जी ऑमलेट, बहुत ही टेस्टी और मज़े का, जो कि बर्गर्स में डालेंगी। शामी कबाब हो गए हैं फ्राई, सारी प्रिपरेशन हो गई है बर्गर्स की। ब्रेड को दरमियान से काट देंगे ताकि इसके अंदर सारी फिलिंग्स हम कर सकें। और ये मरियम प्राचा भी अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं यहाँ पे। ब्रेड को दरमियान से ऐसे काट के और तवे पे हल्का हल्का सा बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और अब जी बारी आती है बर्गर्स को रेडी करने की और इसको अंदर से फिल करने की। तो फिल करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे पुदीने की चटनी, उसको स्प्रेड कर देंगे। फिर केचप डालेंगे और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और फिर हम स्प्रेड करेंगे मजेदार किस्म का कोल्सला। दूसरी साइड पे रख देंगे अंडा। अब आती है बारी शामी कबाब की। शामी कबाब को हम अच्छी तरह से फैला के और अंडे के ऊपर रख देंगे। अब जिन दोनों ब्रेड्स को आपस में मिला देंगे तो ये जी हमारा मज़ेदार किस्म का बर्गर हो गया है रेडी।
ब्रेड को मिलाने के बाद एक बार फिर हम इसको थोड़ा सा तवे पे सेक लेंगे ताकि ब्रेड भी थोड़ी सी गर्म हो जाए और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो भी थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो ये जी हमारा बर्गर हो गया है अब रेडी। चलिए जी अब बच्चों से रिव्यूज़ लेते हैं कि कैसे बने हैं ये। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और उनको बहुत पसंद आए। बाहर के बर्गर से बेहतर है कि इंसान घर में मज़ेदार किस्म के साफ़ सुथरे बर्गर बना के बच्चों को खिलाएं। तो थैंक्स फॉर सिस्टर फॉर दिस यमी बर्गर। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा और आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।